नमस्कार साथियों आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एम्स सीआरी दो की लेटेस्ट अपडेट को लेके आज ही का नोटिफिकेशन है जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा हमने आपको बताया है कि 100 से ज़्यादा कैंडिडेट को एम्स सीआरी से, से निकाल दिया गया है मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया था लेकिन जब उन्होंने अपनी लिस्ट जारी की उस टाइम उन्होंने बोला कि आपके पास ये कमी है आपके पास ये कमी है आपका ये नहीं है आपका वो नहीं है और यहाँ पर आपको नोट एलिजिबल माना गया है मतलब अब आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हैं इस भर्ती से बाहर कर दिए गए तो एम्स भोपाल ने अपनी एक लिस्ट जारी की है ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए तो जितनी भी वैकेंसी आई थी एम्स भोपाल के लिए ये केवल और केवल उन्हीं के लिए लागू है बाकी एम के लिए नहीं है बाकी के जो एम हैं अपनी अलग अलग जो लिस्ट हैं वो निकालेंगे उसमें भी आपको पता लग जाएगा कि जो भी कैंडिडेट हैं जिनको एम्स भोपाल के अलावा कोई एम्स मिला था कौन कौन एलिजिबल है कौन प्रोविजनली एलिजिबल है और कौन कैंडिडेट नॉट एलिजिबल है ये हमने पहले ही बता दिया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद एम्स के द्वारा अलग से इस प्रकार की लिस्ट जारी की जाती है ताकि ये पता चल सके कि जो आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं या फिर जो क्वालिफिकेशन एम्स ने मांगी थी जिस पोस्ट के लिए वो आपके पास है या नहीं है या फिर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं कि नहीं है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद की लिस्ट में पता लगता है तो चलिए अब यहाँ पर हम तीनों जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट जारी हो गई है तो उसको अपन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं कौन प्रोविजन एलिजिबल है और कौन नॉट एलिजिबल है इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो फ़ीस रिफ़ंड के लिए आपसे सर्टिफिकेट अपलोड करवाया गया था उसके बाद आपकी जो फ़ीस रिफ़ंड है वो कब तक हो सकती है उसके रिगार्डिंग भी हम आपको अपडेट करने वाले हैं तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अपडेट आपको मिलती रहे तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर उन कैंडिडेट की बात को हम डिस्कस करने वाले हैं जिनको यहाँ पर एलिजिबल माना गया है तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तीन लिस्ट हैं उसमें से पहली लिस्ट है जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये लिस्ट उन कैंडिडेट की है जिनके डॉक्यूमेंट में सिंगल कमी भी नहीं निकली है कोई कमी नहीं है कोई मिस्टेक नहीं है सारे डॉक्यूमेंट वैसे हैं सारी क्वालिफिकेशन हैं सारा एक्सपीरियंस है जैसा कि आ, एम्स ने आपसे मांगा था तो ये जो कंडेट हैं इनको तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल चेंज की नींद इनको सोना चाहिए अपॉइंटमेंट लेटर आपको आपकी जी पर मिल जाएगा विद इन टू वीक्स आपको अपॉइंटमेंट जो लेटर हैं जो कंडिडेट एलिजिबल हैं उनको उनके रजिस्टर्ड जी मेल पर सेंड कर दिया जाएगा इसके अलावा जो कुछ एलिजिबल कैंडिडेट हैं इनके सामने कुछ लिखा हुआ है तो उसके लिए आपको क्या करना है जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो ज्वाइनिंग के टाइम आपको वो डॉक्यूमेंट लेके जाना है जो भी डॉक्यूमेंट आपके सामने रिमार्क में लिखा हुआ है तो ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं उनकी पूरी लिस्ट ये आपके सामने है इसको आप देख लीजिएगा आपका नाम एलिजिबल में है या आपका नाम प्रोविज़न एलिजिबल में है या फिर आपका नाम नेक्स्ट लिस्ट में है तो आप अपने हिसाब से अपने रोल नंबर यहाँ पर मिला सकते हैं क्या है इसके अलावा अब अपन डिस्कस कर लेते हैं प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट को लेके कर यहाँ पर एक बात देख लीजिए जो कैंडिडेट यहाँ पर नर्सिंग ऑर्डिनरी हैं मतलब जो अच्छे हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत सावधानी बरती गई है लेकिन इन्होंने आपसे यह मांगा है कि जो आपने ट्रेनिंग कर रखी है उसका सर्टिफिकेट इनको चाहिए जो कि आपको ज्वाइनिंग के टाइम देना होगा जिन कैंडिडेट के पास नहीं था उन्होंने बोला था कि हम बाद में दे देंगे तो उनको अब ज्वाइनिंग तक का टाइम दिया गया है तो ज्वाइनिंग में आप मानिए एक महीना है तो एक महीना आप अपना सर्टिफिकेट कहीं से भी आपने अगर कर, कर रखा है जहाँ भी जिस इंस्टीट्यूट से भी कर रखा है तो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं यदि आपका अभी तक नहीं आया है तो इसके अलावा यहाँ पर जो लिस्ट हम आपको शो अप कर रहे हैं इसमें आपके मन में, में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम कोई ऑब्जेक्शन कर सकते हैं तो एम्स भोपाल ने अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया है जो भी कैंडिडेट यहाँ पर नोट एलिजिबल हैं या फिर प्रोविजनली एलिजिबल हैं उनको अलग से कोई मेल आईडी या कोई मोबाइल नंबर नहीं प्रोवाइड करवाए कर गए हैं ताकि वो अपना ऑब्जेक्शन यहाँ पे बता सकें ये वो कैंडिडेट हैं जो प्रोविजनली एलिजिबल माने गए हैं मतलब इनके डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई कमी निकली है या तो इन्होंने कोई एन ओ सी वहाँ पर सबमिट नहीं की है ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी हो सकता है कुछ कैंडिडेट ने नहीं दिए हों तो रिलीविंग ऑर्डर यहाँ पर आपसे मांगा गया था मतलब आप पहले कहीं भी जॉब कर रहे थे तो वहाँ से आपको रिलीविंग ऑर्डर लाना पड़ेगा मतलब एन ओ सी आपको लानी होगी इसके अलावा जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपसे मांगा गया था वो भी जो टाइम पीरियड मांगा गया था उसी टाइम का चाहिए वैसे टू ईयर का मांगा है तो टू ईयर ही चाहिए वन ईयर एलेवन मंथ नहीं चलेगा इसके अलावा किसी से सिक्स मंथ का मांगा गया था जो यहाँ पर अच्छे हैं जो इनके लिए भी पहले से जो कैंडिडेट पहले कहीं थे ओ सर्टिफिकेट इनके पास नहीं है किसी के पास अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है किसी के पास डिग्री नहीं है किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं फार्मासिस्ट के लिए भी वही लागू होता है फार्मासिस्ट के लिए आपको नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना सॉरी साथियों फार्मासिस्ट जो फार्मा जो काउंसिल है वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका अपडेट करवाना पड़ेगा अब कुछ कैंडिडेट हैं जिनको नोट एलिजिबल माना गया है इसका मतलब ये हुआ कि जिन कैंडिडेट का नाम इस लिस्ट में है वो कैंडिडेट अब एलिजिबल नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए इस लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि अब आपको कोई और मौका दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का तो एम्स सीआर दो के द्वारा जो एम्स भोपाल ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए थे उसके बाद ये जो लिस्ट जारी की गई है इस लिस्ट के जारी होने के बाद आपको एम्स भोपाल कोई सेकेंड चांस नहीं दे रहा है हालांकि देना चाहिए था जो कैंडिडेट होते हैं कुछ कैंडिडेट के पास नहीं होता है लेकिन वो बाद में सबमिट कर देते हैं लेकिन जिनके पास बिल्कुल भी नहीं था और कुछ कैंडिडेट इसमें से ये सा भी हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही नहीं पहुंचे थे तो जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुँचे थे लेकिन उन्होंने क्वालिफ़ाई किया है इतने नंबर लाए हैं मेहनत की थी लेकिन फिर भी उनके पास या तो एक्सपीरियंस नहीं था या फिर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई थी वो नहीं थी तो ये सब कुछ इसलिए हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैंडिडेट हैं सारी जो लिस्ट है वो यहाँ पर दी गई है लगभग यहाँ पर हैंड्रेड प्लस कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर बाहर कर दिया गया है तो ये सारी पोस्ट हैं वो खाली रह गई हैं या खाली रहने वाली हैं तो अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या एम्स भोपाल की वेटिंग लिस्ट आ सकती है तो देखिए साथियों हम आपको पहले ही बता रहे हैं सीधा स्पष्ट बता रहे हैं वेटिंग लिस्ट किसी भी एम्स की नहीं आएगी बिल्कुल भी नहीं आएगी ये हमने पहले दिन से ही हमारे वीडियो में बोला है आज भी हम बोलेंगे इसके अलावा जो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि उनकी कमी के कारण नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप जब किया गया तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था हो सकता आपने गलत एक्सपीरियंस उस टाइम भरा हो आपने ये सोचा हो कि हम पेपर दे के देख लेते हैं एक्सपीरियंस हो जाएगा अगले साल जो सीआर आएगा उसमें अपन अच्छा कर पाएंगे तो ये सोच के आप सभी ने शायद पेपर दिया हो और आपका सिलेक्शन हो गया हो कई बार ऐसा भी होता है कि हम ऐसे टाइम पास के लिए पेपर देने जाते हैं लेकिन सिलेक्शन हो जाता है अगर आपके पास है अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास बिल्कुल जो भी एडवर्टाइजमेंट में जो क्वालिफिकेशन मांगी गई थी जो एक्सपीरियंस मांगा गया था वो मेरे पास है तो बिल्कुल आप एम्स भोपाल में जाके इसको रिपोर्ट कर सकते हैं कि हमारे पास ये है हमें नोट एलिजिबल क्यों माना गया है तो अब नेक्स्ट एम्स कौन सा होगा जो अपनी लिस्ट जारी करने वाला है और कौन कौन है जिन्होंने अपनी लिस्ट जारी कर दी है देखिए एम्स बीबी नगर ने तो ज्वाइनिंग जो जो दे दी है जो भी एम्स सियारी दो हज़ार तेईस के हैं जिनको एम्स बीबी नगर मिला था उनकी ज्वाइनिंग जो हो चुकी है मतलब हो रही है धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है ज्वाइनिंग लेटर आ गए हैं उसने कोई अपनी लिस्ट जारी नहीं की थी लेकिन अभी जो बचे हुए एम हैं उनके द्वारा जल्दी ही आपको लिस्ट मिलने वाली है तो जैसे ही उनकी लिस्ट आ जाएगी हम आपके साथ शेयर कर देंगे धन्यवाद साथियों वीडियो को शेयर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए